वैलकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टूडेंट्स अक्सर आपने देखा होगा कि जब लाइट रे ट्रैवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ऊपर पड़ती है तो वो टकराने के बाद पहले वाले मीडियम में वापस चले जाती है उसका कुछ हिस्सा पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है रोशनी के इस अमल को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और यही इसकी डेफिनेशन है वन लाइट ट्रैवलिंग इन अ अटन मीडियम फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन अदर मीडियम अ पार्ट ऑफ इट टर्नस बैक इन द सेम मीडियम दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स ये जो रे आकर टकरा रही है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे और ये जो रे वापिस जा रही है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ये जो कॉमन पॉइंट है इसको नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का अब इस कॉमन पॉइंट के ऊपर हम एक फर्जी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं और ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है अब इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसी नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा ये एक मुसम्म असूल है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे और यही लाज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट है तो चलिए अब चलते हैं लाज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ पहला पॉइंट ये है इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक ही प्लेन में होंगे और दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे तो यहाँ तक था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक अब जरा हम चलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ कि इसका रियल लाइफ में फायदा क्या है और ये कहाँ कहाँ नजर आती है देखिए स्टूडेंट जब भी टीचर बोलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट का वापस जाना तो बच्चे ये समझते हैं कि जो हैंड मिरर है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सिर्फ यही रिफ्लेक्शन है जिस तरह क्लासरूम के अंदर एक बच्चा शरारत कर रहा होता है वो लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है दूसरे के आंखों के अंदर तो बच्चा ये समझता है कि शायद सिर्फ यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो नहीं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी देख रहे हैं वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से है ख्वा वो सेफ अलमारी हो ख्वा कुर्सी हो वो कुछ भी हो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला फ़ायदा क्या है विजन दिखाई देना अब इसका दूसरा यह है कि जब भी आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आपका मिरर में एक इनवर्टेड इमेज एक उल्टा इमेज बनता है वो भी आपको किसकी वजह से नजर आ रहा होता है वो भी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट रे आपसे रिफ्लेक्ट होके मिरर में जाती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जो रेस पहुंचती हैं वो आपका वो आपको एक इमेज दिखाती हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये दूसरा बेनिफिट है और तीसरा ये कि कार के जो बैक और साइड मिरर्स हैं इनसे ड्राइवर को बड़ी हेल्प होती है इनमें जो इमेज बनता है वो भी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और लास्ट पे जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये बड़ी मज़े की एप्लीकेशन है आपने एक सबमरीन देखी होगी अब सबमरीन पानी के नीचे होती है लेकिन अगर मैंने पानी के ऊपर देखना हो तो मैं किस तरह देखूंगा तो आप उसके नीचे से पानी के ऊपर देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है पेरिस्कोप पेरिस्कोप काम इस तरह से करता है कि जब लाइट रेज इसके अंदर एंटर होती हैं तो वो इसके कोने पे लगे हुए प्रिज्म से बिल्कुल 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं अब जब यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं फिर नीचे फिर एक कोने पर प्रिज्म लगा होता है वहां से फिर लाइट रेज क्या होती हैं रिफ्लेक्ट होती हैं और वो ऑब्जर्वर की आई के अंदर एंटर हो जाती हैं तो इस तरह से हम पानी के नीचे रहते हुए पानी के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो भी देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था सब कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़